जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अरुण सेफ इंडिया विद अरुण में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो मैंने बनाया जो कि स्पेशल फॉर लेडीज सिक्योरिटी है, और उसमें मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो कि आजकल वर्किंग लेडीज जो होती हैं या स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो लेडीज, तो उनके साथ में कई घटनाएँ छेड़खानी जैसे चाइनीज स्नैचिंग हो जाती है और भी कई अपराध हो जाते हैं जो कि संघीय श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने काफ़ी सुरक्षाएं आप लोगों को प्रदान कर रखी हैं, लेकिन ऐसे में हर जगह पुलिस तैनात नहीं रह सकती, तो आप लोग अपनी कुछ सावधानियां करके इन चीज़ों से बच सकते हैं और बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ। नंबर एक दोस्तों, पहले ये बता दूँ कि आजकल की जो वर्किंग लेडीज हैं सुबह ऑफिस जाती हैं, देर रात कुछ घर वापस आती हैं, तो और स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे, तो कभी काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं तो फ्लैट्स वगैरह में, तो उनमें ऐसा होता है कि आप लोग लिफ्ट में कभी कभी ऐसा बन जाता है मौसम कि कोई आप अकेले हैं और कोई सस्पेक्टेड आदमी आपके लिफ्ट में बैठा हुआ है, तो वो भी कहीं जा रहा है आ रहा है और आपको थोड़ा अनसिक्योर फील हो रहा है कि हो सकता है ये आदमी कुछ मेरे साथ गलत घटना कर दे या कोई अश्लील हरकत कर दे। तो ऐसे में आप अकेले होने की वजह से आप लिफ्ट में सारे बटन दबा दिए सपोर्ट दर, जैसे आपकी बिल्डिंग में दसवें माले पर रहती हैं और आपको जाना है, अब ये लड़का कहाँ जाएगा आपको नहीं पता है, तो आप एक से लेकर 10 तक के सारे बटन दबा दीजिएगा, इससे लिफ्ट आपकी रुक रुक के जाएगी और कोई वो आदमी कोई भी हरकत करने से बचेगा और वो उससे आपको काफ़ी सुकून फील होगा। नंबर दो, आप जब अपने ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको कोई भी खाली टैक्सी या खाली बस में नहीं बैठना है। आप अगर बैठते भी हैं, मान लो मजबूरी आपकी बन जाती है, तो आपको सबसे पहले ड्राइवर के सामने गाड़ी की नंबर प्लेट को फोटो खींचनी है, उसके बाद में जिस गाड़ी में बैठेंगे उसका लोकेशन घर वालों को बताना है ड्राइवर के सामने, ताकि ड्राइवर वाला जान जाए कि मेरे बारे में घर में बता दिया गया है, और आप अपने आप को सिक्योर समझ जाएंगे और वो अलर्ट हो जाएगा, तो आपको वो सही जगह पर ले जाएगा, कोई भी हरकत नहीं करेगा। और इस सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी टैक्सी वाला कहीं आपको शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा है कि मैडम इधर से चलिए आपको जल्दी पहुंचा देंगे, तो आप तुरंत उसको मना कर देंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। हो सके तो आप गाड़ी में जब ज़्यादा लोग बैठे हो तभी सवारी करें, और उसके बाद में मान लीजिए किसी मजबूरी वश अगर आप किसी टैक्सी में बैठती हैं, तो ड्राइवर की सीट पीछे वाली सीट पर बैठें, और जिससे कि आपको ड्राइवर शीशे में नहीं देख पाएगा और आप सिक्योर फील करेंगे अपने आप में और कम्फर्ट भी रहेगा। और अगर वो कोई गाना वाना बजाता है या अश्लील हरकत भी कर देता है, तो आपके पास स्टॉल होता है और कई चीज़ें होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि ड्राइवर की सीट के आगे से गोल गोल घुमा के रस्सी की तरह अपने स्टॉल को उसकी गर्दन में डाल के बहुत ही ताकत से खींच लेना है, उससे ड्राइवर अपने आप ही गाड़ी में ब्रेक लगाएगा और गाड़ी में जब तक रुकेगी आप अपने दरवाज़ा उसका खोल के गाड़ी का अपने सार्वजनिक स्थान पे चले जाइए, और वहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला मिलता है या पब्लिक मिलती है तो उससे उसकी शिकायत करिए। और तीसरी बात है, जब आप कभी भी वो नेक्स्ट ये है कि आप अपना मोबाइल परमानेंट 100% अपना रिचार्ज करके रखें और उसको चार्ज बैटरी हमेशा फुल होनी चाहिए, उसको पूरे दिन ऐसा चले कि हाँ आपके फ़ोन में ज़्यादा बाहर जाके यूज़ नहीं करना है, वीडियो देखेंगी तो बैटरी जल्दी ख़त्म होगी और जल्दी फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है और आपको दूसरे से फ़ोन मांग के हेल्प लेनी पड़े, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई सस्पेक्टेड आदमी आपके घर में किसी भी तरह घुस जाता है, चोरों की तरह है, जैसे भी आप अकेले हैं घर में, आप अचानक से डर जाएं, बिल्कुल नहीं घबराएं, आप सबसे पहले ये करें कि अपने किचन की तरफ भागें। किचन में आपको बहुत सारे ऐसे बर्तन या धारदार हथियार मिल जाएंगे जो आपको बचा सकते हैं, मौके पर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जो मसाले होते हैं, लाल मिर्च होती है वगैरह वगैरह को आप यूज़ करके उनसे बच के और घर से बाहर भाग सकते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद या निकलने से पहले आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं ताकि आसपास के लोग भी जान जाएं और आप अलर्ट हो जाएं। किसी भी अजनबी व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की चीज़ ना लें, चाहे वो प्रसाद ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल कोई भी वारदात को जो है सफल बनाने के लिए एक गैंग का हाथ बहुत होता है, और चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो, आपको छोटा सा बच्चा आके दे जाए कि मैडम ये लीजिए दीदी करके कोई भी प्रसाद दे दे आप खा लें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
और एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको अपना पानी, अपना खाना या कुछ भी हो अपने घर से ही लेके चलना है। और आखिरी में आपको मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ सेफ्टी टूल्स जो आपको लेके साथ में चलने होंगे, और ये ज़रूरी भी है, जैसे कि चिपटी पिन है और नेल कटर है, छोटा चाकू है, पेपर स्प्रे है, डीओ स्प्रे है, ये सब चीज़ें आपको रास्ते में बहुत काम आएंगी। हालांकि इनको रेगुलर रखने की आदत डाल लें। वर्किंग लेडी या जो घर में गृहिणी वगैरह हैं, इनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कीमती जेवर आदि का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ये सब पार्टी और शादी में ही अच्छा लगता है। अगर ये सब चीज़ें आप पहन के निकलेंगी तो कोई भी आप पर नज़र रख सकता है, चैन स्कैनिंग या और भी जो है घटनाएं खाली इसी वजह से घटती हैं, क्योंकि सो इन चीज़ों से परहेज करें। और सबसे बहुत ही ज़रूरी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो आज का स्मार्टफोन है, इसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो मैं इस चीज़ को बता दूँ कि आपका फ़ोन जो स्मार्टफोन होता है उसकी स्विच ऑफ ऑन करने वाली जो बटन होती है, आप अगर उसको 4 से 5 बार दबाते हैं इमरजेंसी में, तो उसमें 112 नंबर की कॉल लग जाएगी ऑटोमेटिक, और आपके लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाएगा, पुलिस आपके पास आपकी हेल्प के लिए भी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में एक भी टिप्स आपके काम आ गई तो मैं समझूंगा कि मेरा सारा पूरा वीडियो जो है सफल रहा। सो फिर दोबारा मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी देंगे। जय हिंद।